प्रेगनेंसी हर महिला के लिए एक खास समय होता है। इस दौरान बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं, कई तरह के हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस बॉडी में आते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ्स तक बॉडी में किस तरह के बदलाव और किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी एक खास टाइम होता है। इस दौरान बॉडी में कई तरह के चेंजेस आते हैं। पीरियड्स की डेट मिस होना प्रेगनेंसी का एक मेन सिम्टम है। इसके बाद महिला को थकान और उल्टी जैसे सिम्टम्स नजर आते हैं। हर महीने में अलग अलग सिम्टम्स नजर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि प्रेगनेंसी के पहले महीने से लेकर आखिरी महीने तक क्या क्या शरीर में बदलाव और सिम्टम्स नजर आते हैं। सबसे पहले आता है प्रेगनेंसी का पहला महीना। प्रेगनेंसी के पहले महीने में हल्की स्पॉटिंग, थकान, उल्टी, मतली जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं। इस दौरान आपको सामान्य से ज्यादा बार यूरिन पास करने की जरूरत पड़ सकती है। कई महिलाओं को पहले मंथ में पता भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। किसी भी तरह के असामान्य लक्षण नजर आने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, इस मंथ में फीटस का डेवलपमेंट होता है। आपको डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कह सकते हैं। सेकेंड मंथ में मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हो सकती है। इस दौरान हार्टबर्न की समस्या ज्यादा महसूस होती है। हार्ट रेट भी तेज हो जाता है। इस दौरान स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी का तीसरा महीना, प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में गर्भ में पल रहे शिशु के ऑर्गन्स विकसित होते हैं। इस दौरान शिशु के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। इस माह में ब्रेस्ट साइज भी बढ़ सकता है और इस मंथ में स्किन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कई महिलाओं में एक्ने की समस्या शुरू हो जाती है। प्रेगनेंसी का चौथा महीना, प्रेगनेंसी के चौथे महीने में हार्ट के जरिए ब्लड तेजी से पंप होता है ताकि गर्भ में पल रहे शिशु की जरूरत पूरी की जा सके। इस कारण से आपको चक्कर आना, सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है। इस दौरान मसूड़ों में खून आने की समस्या भी हो सकती है। कई महिलाओं में इस माह में कॉन्स्टिपेशन, बैक पेन, इस तरह के लक्षण महसूस होते हैं। प्रेगनेंसी का पांचवा महीना, प्रेगनेंसी के पांचवे महीने में फीटस का मूवमेंट शुरू होता है। इस दौरान मसल्स का विकास होता है और गर्भ में पल रहे शिशु के सिर पर हेयर ग्रोथ शुरू होती है। पांचवे महीने में लक्षणों की बात करें तो गर्भवती महिला को हार्टबर्न, सांस लेने में तकलीफ, इस तरह के लक्षण महसूस हो सकते हैं। इस दौरान ब्रेस्ट का कप साइज भी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी का छठा महीना, शिशु हल्का मूव करने लगता है। आपको शिशु के हिलने, हिचकी लेने या रोटेट करने पर एहसास होता है। इस दौरान कब्ज की समस्या, ब्लीडिंग गम्स, पैरों में दर्द और तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इस दौरान ब्रेस्ट मिल्क बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस वजह से आपको ब्रेस्ट में हल्की सूजन महसूस हो सकती है। प्रेगनेंसी का सातवां महीना, प्रेगनेंसी के सातवें महीने में छठे महीने जैसे ही लक्षण नजर आते हैं, इस महीने में बेबी बम्प नजर आने लगता है। यानी कोई भी आपको देखकर बता सकता है कि आप प्रेग्नेंट है। इस माह में गर्भ में पल रहे शिशु में बॉडी फैट बनने लगता है। इस मंथ में शिशु आवाज पर प्रतिक्रिया देने लगता है। इस मंथ में प्री मेच्योर बेबी होने की संभावना ज्यादा होती है और इस महीने में हर गर्भवती महिला को अपना खास ख्याल रखना होता है। प्रेगनेंसी का आठवां महीना, प्रेगनेंसी के आठवें महीने में बैक पेन और जॉइंट पेन हो सकता है। इस महीने में स्ट्रेच मार्क्स नजर आते हैं। यूट्रस की एरिया में दबाव महसूस होता है। इस महीने में यूरिन कम अंतराल पर पास होती है। इस कारण आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी का आखिरी और नौवां महीना, प्रेगनेंसी के आखिरी महीने के लक्षण आठवें महीने जैसे ही होते हैं। इस महीने में वेरिकोज वेन्स, स्ट्रेच मार्क्स, थकान आदि लक्षण नजर आ सकते हैं। बेली का साइज बढ़ जाने के कारण सोने में प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। गर्भ में पल रहा शिशु पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, इसलिए इस दौरान विशेष सावधानी और बहुत सारी केयर की जरूरत होती है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।